हिमाचल प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र के पांचवें दिन शुक्रवार को आउटसोर्स के मुद्दे पर सदन खूब तपा। विपक्ष नियम 67 के तहत कोविड काल में आउटसोर्स पर रखे गए कर्मचारियों को निकालने के मुद्दे पर काम रोको प्रस्ताव लाया, जिसे हिमाचल विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप पठानिया ने खारिज कर दिया। चर्चा न मिलने से नाराज विपक्ष नारेबाजी करते हुए वॉकआउट कर गया। मीडिया से बातचीत में संसदीय कार्य मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि विपक्ष सदन में झूठे आंकड़े पेश कर रहा है। क्या बोले संसदीय कार्य मंत्री हर्षवर्धन चौहान, सुने विस्तार से। नहीं, आज जो है सदन में जो है नियम 67 के तहत काम रोको प्रस्ताव के तहत भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने जो है वो प्रस्ताव दिया है कि जिसमें उन्होंने आरोप लगाया है कि आउटसोर्स के कुछ कर्मचारी, विशेष करके जो कोविड के दौरान स्वास्थ्य विभाग में लगाए गए थे, उनको बाहर निकाला गया है। उस पर विस्तृत चर्चा सदन में हुई है और मुख्यमंत्री जी ने जवाब दिया है कि किसी भी कर्मचारी को नहीं निकाला गया है, उनको 3 महीने की एक्सटेंशन दी गई है। और जो माननीय जयराम जी का आरोप था कि उनको 6 महीने से सैलरी नहीं दी गई है, वो भी आरोप गलत है। सभी कर्मचारियों को जून 23, 2000 तक की सैलरी दी गई है। कुछ सैलरी उनकी जो पेंडिंग है वो जल्द सैलरी दी जाएगी और उनकी नौकरी पे जो है सितंबर के बाद उसको एक्सटेंशन दी जाएगी, नहीं जाएगी, वो जो है वो विचाराधीन है, सरकार के ध्यान में विचाराधीन है और अगली इससे जल्द जो है उस पर फैसला कर लिया जाएगा। वहीं सदन में हिमाचल में स्थापित उद्योगों में 80% हिमाचलियों को रोजगार देने का मुद्दा भी उठा। उद्योग मंत्री ने कहा कि बद्दी बरोटीवाला में उद्योगों में ये 70% से कम है। उन्होंने कहा कि विभाग जिन उद्योगों को टैक्स व अन्य चीज़ों में रिबेट देता है, वहाँ ये सुनिश्चित किया जाएगा जो उद्योग इसे अमल में नहीं लाएंगे उन पर कार्रवाई की जाएगी। नहीं, आज सदन में ये चर्चा हुई है, माननीय विधायक के एल ठाकुर जी और लखनपाल जी ने इसको किया और मैंने रिपोर्ट दिया है। कागजों के अनुसार 81% जो रोज़गार है हिमाचल प्रदेश में वो हिमाचली लोगों को दिया जा रहा है। बद्दी बरोटी वाला नालागढ़ में जो ये आंकड़ा है ये कोई 72% पे है, जो कम है। हमारी पॉलिसी के मुताबिक हर उद्योगपति को जिसको हिमाचल सरकार इंसेंटिव देती है उसको 80% रोज़गार उद्योगों में देना पड़ता है। मैंने आज ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस आश्वासन दिया है, हम विस्तृत रूप से हर उद्योग से जो हमारे नौजवान हिमाचल प्रदेश के लोग हैं उनका नाम पता उसको करेंगे और इस आंकड़े को दोबारा से वेरीफाई करेंगे। हमारी और सरकार की प्राथमिकता है कि हिमाचल प्रदेश में एटलीस्ट 80% रोज़गार जो उद्योगों में दिया जाए। कुछ ऐसे उद्योग हैं जैसे फर्नेस वाले यूनिट्स हैं या कोई और यूनिट्स हैं जहाँ पर हिमाचल प्रदेश के जो नौजवान हैं, क्योंकि उनको टेक्निकल नो हाउ या एक्सपीरियंस जो है वो नहीं होता और हमारे लोग उन फैक्ट्रियों में काम नहीं करना चाहते, ऐसे फैक्ट्रियों के अलावा हम इंश्योर करेंगे 80% रोज़गार है हिमाचल के लोगों को मिले। नहीं, हम उसके खिलाफ़ सख्त कार्रवाई करेंगे। हम इंसेंटिव, मैंने जैसे सदन में कहा, जो नहीं करेगा, हम जो इंडस्ट्री डिपार्टमेंट इंसेंटिव्स देता है इन फॉर्म्स ऑफ टैक्सेस है और अदर इंसेंटिव्स है, वो चाहे बिजली के रिबेट है, हम उस पर जो है विचार करके उनकी जो है वो जो इंसेंटिव है वो बंद कर देंगे। ठीक है, नहीं, मैंने अभी कहा है आपको किसी को निकालने के ऑर्डर नहीं है। 30 सितंबर तक वो अभी हमारे नौकरी में है, अगर ऐसे ऑर्डर्स होंगे इट विल बी विड्रॉन। और मुख्यमंत्री जी ने सदन में कहा है ये विचाराधीन है और सिंपैथेटिकली इनको एक्सटेंशन की कंसिडरेशन सरकार कर रही है। हिमाचल और देश दुनिया से जुड़ी हर बड़ी अपडेट के लिए बने रहिए EWN 24 न्यूज़, चॉइस ऑफ हिमाचल के साथ।